गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द फोर्थ क्लास ऑफ टैली। ओके, हाँ, टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू एंटर स्टॉक ट्रांसफर एंट्रीज इन अ कंपनी। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पैटर्न क्वेश्चन है। वो पैटर्न क्वेश्चन क्या है? वो पैटर्न क्वेश्चन ये है आपका कि आपके पास एक कंपनी है, नाम क्या है? वायरेक्स प्राइवेट लिमिटेड। नाम क्या है? वायरेक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें आपके पास तीन गोडाउन है, एक तो दिल्ली गोडाउन है, एक यूपी गोडाउन है और एक क्या है आपका मुंबई गोडाउन, और आपको ये स्टॉक ट्रांसफर एंट्रीज करनी है। तो आइए जाने कैसे करेंगे। सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से गोडाउन ट्रांसफर की एंट्रीज करते हैं, दिल्ली मुंबई या यूपी, कैसे आप मल्टीपल गोडाउन बनाएंगे और कैसे आप ये एंट्रीज वगैरह करेंगे। तो फिलहाल वायरेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है, आप देखिए दिल्ली में ये कंपनी बनी हुई है, ठीक है। और स्टॉक आइटम भी एंटर कर दिए गए हैं, दिल्ली के गोडाउन दिल्ली में है, यूपी के यूपी में, मुंबई के मुंबई में। मैं चाहूँगा कि पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। तो क्वेश्चन को नोट जरूर करें, कंट्रोल F1। क्वेश्चन है वायरेक्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली यूपी एंड मुंबई, और ये आपका वाचर एंट्रीज है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टैली में आता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके स्टॉक आइटम है सभी, और नीचे आपकी वाचर एंट्रीज है। तो टैली में आप आइए, चेक कैसे करेंगे आप? डिस्प्ले, हमने स्टॉक आइटम डाल दिए यहाँ पर, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर हम लोग क्लिक करेंगे गोडाउन में। तो दिल्ली, ये दिल्ली के स्टॉक आइटम है। बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट्स के अंदर ना कभी भी जो है ना आपका स्टॉक आइटम शो नहीं करता, ये शो करता है कंपनी के नेम या ब्रांड नेम वगैरह। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ क्लिक करेंगे? डिटेल के ऊपर, और डिटेल की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट F1, यहाँ पर क्लिक करो तो इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। एस्केप करो, नेक्स्ट चेक कर सकते हैं आप मुंबई, ये भी देखो आप इस तरह से, एंड आपका ये, ठीक है। देन अगेन आपका यहाँ पर यूपी। कभी भी एक बात याद रखिए कि ग्रुप को देखकर आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कितने स्टॉक आइटम हैं, क्योंकि हो सकता है कि गोदरेज के जो हैं वो 5 आइटम्स हों, फिलिप्स के 3 आइटम्स हों, तो कभी भी आइटम तो यहाँ पर शो नहीं करते, ग्रुप शो होंगे। तो प्रॉपर अगर आइटम शो करने तो कहाँ क्लिक करेंगे? डिटेल पर, इस तरह से, ठीक है। तो क्लिक कर दो और काम खत्म। अब हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा वो मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है ये नीचे एंट्रीज हैं, ठीक है। ये है हमारा स्टॉक ट्रांसफर एंट्रीज, ये क्या है हमारा? इसे इन्वेंट्री वाचर एंट्रीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इन्वेंट्री वाचर एंट्रीज, इन्वेंट्री स्पेलिंग ठीक कर लो, ठीक है, इन्वेंट्री वाचर एंट्री, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज में स्टॉक ट्रांसफर एंट्रीज, स्टॉक ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक है। तो हम लोग अभी करने वाले हैं क्या? स्टॉक ट्रांसफर एंट्री, यानी कि आपका इन्वेंट्री वाउचर एंट्रीज। तो इन्वेंट्री वाउचर एंट्रीज, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में। फर्स्ट जो स्टॉक ट्रांसफर एंट्री है वो क्या है? ट्रांसफर गुड्स, गुड्स का मतलब माल, ठीक है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स का मतलब होता है माल, ठीक है। सोल्ड का मतलब होता है बेच दिया या समथिंग कुछ, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर गुड्स, मतलब आपने कोई स्टॉक आइटम ट्रांसफर किया है। तो स्टॉक आइटम आपने क्या ट्रांसफर किया हुआ है? आपने 100 वॉशिंग मशीन ट्रांसफर किए हैं यूपी से मुंबई गोडाउन, यूपी से मुंबई गोडाउन। तो इसकी एंट्री करने के लिए आपको कहाँ क्लिक करना होगा? पहले इन्वेंट्री वाचर्स, कहाँ क्लिक करना होगा आपको? इन्वेंट्री वाचर्स। जैसे आप इन्वेंट्री वाचर्स में आप आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल लिखा होगा इन्वेंट्री वाचर्स। तो फर्स्ट लिखा होगा आपका सोर्स, क्या लिखा होगा आपका फर्स्ट यहाँ पर? सोर्स। और सेकंड क्या लिखा होगा आपका यहाँ पर? डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशंस। तो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे? नेम ऑफ आइटम। यहाँ देखिए, कभी भी क्या करना है हमको? इन्वेंट्री वाचर्स में आना है, और यहाँ पर आने के बाद पहले सोर्स, नेम ऑफ आइटम। तो आपका नेम ऑफ आइटम क्या है? 100 वॉशिंग मशीन, क्या है? 100 वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर डालिए आप वॉशिंग मशीन, ठीक है, एंटर करिए। अब आएगा गोडाउन, तो किस गोडाउन से ट्रांसफर कर रहे हैं आप? फ्रॉम यूपी टू मुंबई। तो फ्रॉम यूपी टू मुंबई आप यहाँ पर लीजिए गोडाउन, पहले गोडाउन यूपी, ठीक है, तो यूपी आ गया। इसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी? 100, एंटर कर दिया आपने, तो ऐसे आ गया प्राइस, एंटर एंटर
एंड अब तो कोई आइटम नहीं है आज की डेट में, ये डेट वाइज होती है एंट्रीज हमेशा। फिलहाल एजुकेशन वर्जन में हम डेट नहीं चेंज कर सकते, बट कई स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये अलग करनी जरूरी है क्या, मतलब एक साथ नहीं कर सकते? ये एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक साथ लिखी हुई है, ये हर दिन एक न्यू एंट्री है। अब आप आज अगर एंट्री करते हैं तो कल की एंट्री के बारे में कैसे जान पाएंगे आप? कल की एंट्री तो कल ही कर पाओगे ना, तो एक तरह से डेट वाइज होती है। तो आज एक ही एंट्री हुई है, आज सिर्फ 100 वॉशिंग मशीन आपके ट्रांसफ़र हुए हैं, कहाँ से? यूपी से मुंबई। तो बस एक ही आइटम है, एंटर करिए, यहाँ पर आए, वॉशिंग मशीन एंटर किया आपने, अब कौन सा गोडाउन? मुंबई। बाकी स्टॉक आइटम सेम आपका, और क्वांटिटी भी आपकी सेम 100, ऐसे इस तरह से, ठीक है। बाकी नरेशंस होते हैं, ऑप्शनल्स वगैरह, नरेशंस होती है मतलब डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, बड़ी ईजी होती है। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पर बींग, हाँ, ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम यूपी टू मुंबई, मुंबई गोडाउन, कैसे डाल सकते हैं फ्रॉम मुंबई टू गोडाउन बींग ट्रांसफ़र, ये सिंपल सा एक पैटर्न है। तो छोड़ भी सकते हैं, और ये डिपेंड करता है जैसे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपको कंपलसरी करती है कि नहीं। फिलहाल तो ये ऑप्शनल है, तो मोस्टली कई कंपनीज कंपलसरी करती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, तो आप छोड़ भी सकते हैं इसको। एंटर, लास्ट में क्या आएगा आपका? यस, ठीक है। छुपा होता है देखो वहीं पर, जैसे मान लो ये जो है ना, देखो कई बार लगता है नरेशन थोड़ा डिफिकल्ट, ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम यूपी टू मुंबई, तो मैंने क्या लगाया? जस्ट बींग ट्रांसफ़र गुड्स टाइपराइटर, तो कहाँ से? फ्रॉम यूपी टू, तो आप ये भी सकते हैं कि बींग ट्रांसफ़र गुड्स, इतना भी काफ़ी है, बींग ट्रांसफ़र गुड्स, एंटर कर दीजिए। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई, ठीक है। तो मेरा ख्याल आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री आप मुझे बताएंगे कि सेकेंड एंट्री अब आएगी यहाँ पर, सेकेंड एंट्री में क्या स्टॉक आइटम आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं? टाइपराइटर, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? टाइपराइटर, किस गोडाउन से? हाँ, फ्रॉम दिल्ली लिखा हुआ है ना, फ्रॉम, देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर फ्रॉम दिल्ली टू यूपी, गुड। तो यहाँ पर लीजिए आप दिल्ली, कितना है आपका? 250, ठीक है, एंटर करिए आप। और भी कोई स्टॉक आइटम है? जी बिल्कुल, सेम टाइपराइटर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेरे ख्याल से, ये देखिए जरा, एंड 300 फ्रॉम, तो सेकेंड एंट्री भी होगी आपके यहाँ पर टाइपराइटर, ये भी आपका दिल्ली से ट्रांसफ़र हो रहा है, 300 हो रहा है ये आपका। बट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट जो आइटम होगा आपका वो कहाँ हो रहा है? आपका यूपी, ठीक है, कितना? 250, तो और सेकेंड क्या आइटम, सेकेंड कहाँ हो रहा है आपका? मुंबई, ठीक है, 300। आप जरा ध्यान से देखिए इस एंट्री को, फर्स्ट टाइपराइटर 250 दिल्ली से यूपी, एंड सेकेंड टाइपराइटर ट्रांसफ़र कर रहे हैं दिल्ली से ही बट मुंबई, तो ऐसे एंट्री होगी, समझ गए? इस वाली एंट्रीज में कुछ मेंशन नहीं करना, जस्ट यहाँ पर ले दो बींग ट्रांसफ़र गुड्स, तो ऐसे भी डाल सकते हो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगला बताओ, पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव तो मुंबई से आपका दिल्ली, कितने? 500। और भी कोई स्टॉक आइटम है यहाँ पर? कौन सा? क्या स्टॉक आइटम क्या है? पेन ड्राइव, ठीक है, मुंबई से 700 ना, 750, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले जो भी व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो रिमोट मतलब जो यूट्यूब के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को जरूर नोट करें, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, कंप्लीट आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें। और इस समय हम लोग कर रहे हैं कौन सी एंट्री? थर्ड एंट्री। टोटल इसमें 5 एंट्रीज हैं, ये टोटल 5 एंट्रीज हैं इसमें, हम लोग अभी इस समय कर रहे हैं थर्ड एंट्री, ठीक है। सो पेन ड्राइव कौन से गोडाउन में? मुंबई से कौन से? फर्स्ट, ठीक है, तो ये आपका 500, उसके बाद नेक्स्ट पेन ड्राइव, ये आपका यूपी ट्रांसफर हो रहा है, 750। तो ये सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है, ट्रांसफर गुड्स, सो बींग ट्रांसफर गुड्स, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर डाल दो आप अगेन 750, और रेट क्या था इसका? रेट जरा बताओ एक बार, वो क्वांटिटी बता रहे हो आप 700, इसका रेट देखो क्योंकि गलती से मॉडिफिकेशन हो गई,
तो जो टाइप राइटर था ना आपका, उसका मुंबई गोडाउन है ना। क्वेश्चन क्या है नंबर, थर्ड क्वेश्चन, सर फ्रॉम ट्रंक का मुंबई बुक टू पेन दिल्ली। ड्राइव 500 फ्रॉम अच्छा दिल्ली पेन टू ड्राइव है, इंडिया तो सर। पेन ड्राइव का प्राइस है आपका 450। ठीक है, ये प्राइस गलती से हट गया क्योंकि ऐसे अपने आप आया था प्राइस, क्योंकि मैं बींग टाइप करना गलती से वहाँ टाइप होता, बींग बींग ट्रांसफर गुड्स, तो याद रखो अपने आप आ जाएगा। अब बताओ फोर्थ एंट्री क्या है। फोर्थ एंट्री इज रेडियो, ट्रांसफर गुड्स, फोर्थ एफएम रेडियो। FM रेडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक आइटम नेम, फिर गोडाउन, कौन सा गोडाउन? सर यूपी टू मुंबई। यूपी टू मुंबई, ठीक है, तो गोडाउन यूपी। कितना क्वांटिटी? सर 700। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट सर सर रेफ्रिजरेटर है 500। रेफ्रिजरेटर, ये कहाँ से? सर मुंबई टू यूपी। ठीक है गुड, ये है 500 है ना। 500 ठीक है, दो स्टॉक आइटम है। यस सर। तो फर्स्ट स्टॉक आइटम FM रेडियो, ये कहाँ ट्रांसफर हुआ है? सर ये यूपी टू मुंबई। मुंबई, मुंबई में ठीक है, और क्वांटिटी सेम आएगी आपकी, प्राइस अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम है आपका रेफ्रिजरेटर, सेम वे ऐसे डालिए आप इसी ऑर्डर में, ये कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है? यूपी सर, यूपी। यूपी, ठीक है, इसका आपका इस तरह से, ठीक है, सो बीइंग ट्रांसफर गुड्स, ठीक है, ये एंट्रीज। अगली एंट्री सर, अगली एंट्री ट्रांसफर गुड्स हेडफोन, कहाँ से? मुंबई से दिल्ली ना, यस सर। 500, अब सर 250 डीवीडी, डीवीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर यस सर। कहाँ से? यूपी से। यूपी टू दिल्ली 250 ना, 250। 250। अब और भी कुछ? बस ये दो आइटम है। ठीक है, फिफ्थ एंट्री बड़ी सिंपल है आपकी, इस वे में, इस बारे में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा आपको जी इसके बिल्कुल। बाद ही, एंटर करिए। हाँ अब बताइए, ये पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हेडफोन कहाँ ट्रांसफर हुआ था? दिल्ली। मम दिल्ली, क्वान्टिटी वही सेम रहेगी 500, एंड उसके बाद फिर आपका डीवीडी प्लेयर, ये भी आपका दिल्ली अगेन, और ये आपका 250। ठीक है, बीइंग ट्रांसफर गुड्स, ठीक है, ये एंट्री है। ठीक है, अब कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने जो एंट्रीज किए वो आपको शो कहाँ होंगी, क्योंकि स्टॉक आइटम की एंट्री तो नॉर्मली शो होती है स्टॉक इन्वेंट्री में, बट अगर आप अभी आपने इन्वेंट्री वॉचर एंट्री की है तो याद रखिए आप वट एवर चाहे अकाउंटिंग वॉचर एंट्री करते हैं या इन्वेंट्री वॉचर एंट्री करते हैं, वो सारी एंट्रीज आपको शो होंगी डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाइए आप, और डिस्प्ले में आपका क्या होता है, एक डे बुक, क्या होता है आपका? डे बुक। तो जैसे ही आप डे बुक में जाएंगे ऑटोमेटिकली ऑर्डर वाइज यहाँ पर सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो किसी भी एंट्री पर अगर आप क्लिक करते हैं, किसी भी एंट्री पर आप क्या क्लिक करते हैं, एंटर, तो वो एंट्री खुलेगी बाय डिफॉल्ट अल्टर मोड में। किस मोड में खुलेगी? अल्टर मोड में। तो ऑल डी करके आप इस एंट्री को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं या कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, ये मैं लिखवा दूंगा आपको। डिस्प्ले बड़ा इजी है, फिर सेकंड नंबर पर डे बुक, ठीक है, ये रही सारी एंट्रीज, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। डिटेल्स व्यू पर क्लिक करिए आप, इस तरह से आप शो। डिटेल्स व्यू मत देखना अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। सिर्फ इस तरह से एंट्री देखिए, आपने किसी भी एक वॉचर को ओपन कर लीजिए और नेक्स्ट वॉचर के लिए पेज डाउन, ऐसे इस तरह से सारी एंट्री आ जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिए, कुछ लोगों को लग रहा है बड़ा डिफिकल्ट है, बट है इजी काफ़ी है। डिस्प्ले देन डे बुक डायरेक्टली, इस तरह से, ठीक है। तो आज की क्लास यही ख़त्म होती है, ठीक है। इस वीडियो को, ये क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ क्लास है टैली की, फिफ्थ क्लास और नंबर सिक्स क्लास ये हम लोग कल और परसों अपलोड कर देंगे। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप उन स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को जो एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे या बड़े सेंटर्स में नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे मैंने पहले भी हर वीडियो में रिक्वेस्ट डाल रखी है कि चैनल्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखिए आगे की वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। आप ये देखिए हर दिन कम से कम 2 या 3 क्लास अपलोड हो रही है, तो आगे की क्लासेस के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा। तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।